Hello, my name is Shivam Rohila, professional mechanical engineer along with the proud digital networker. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ सकते हैं, 100% श्योर अबाउट इट। सो गाइस, ज्यादा ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक आज का टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ आई मेक अ कॉन्टेक्टलेस ज्वाइनिंग With 2CC in Forever Living Products। आप सोचोगे बिना कॉन्टेक्ट किए आपने किसी को अपनी टीम में ले आए, 2CC भी करा लिया, सारा काम भी हो गया बिना किसी से कॉन्टेक्ट किए, ऐसा भी हो सकता है बिजनेस? गाइस, ऐसा हो सकता है। हमने किया है, मैंने किया है। सो कैसे किया आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि मेरी टीम का नाम है द लीडरशिप फैक्ट्री, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील प्राउड कि मैं TLF ग्रुप का मेंबर हूं, क्योंकि वहां पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कोई फॉल्स मोटिवेशन की बातें नहीं करता, सारे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बातें करते हैं कि भैया रिजल्ट कैसे आएगा, गाड़ी घोड़ा तो चेक टिक सब तो होता तो ठीक है, लेकिन काम कैसे करना है, रिजल्ट कैसे आएगा, काम करना कैसे, हम इस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं। सो बहुत दिन से ना हम एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कोई लीड आया हमारे फनल, जैसे हमेशा बात करता हूं, हम एक फनल मेथड वर्क करते हैं। फनल मेथड में स्टेजेस हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, स्टेज फाइव, इस टाइप की है। जैसे कोई बंदा आया तो हमारा सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा हो, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम अपने सिस्टम के लिए काम नहीं कर रहे हो, हमारा सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है? सो अपने अपलाइन से बैठ के मैंने बात करी, क्या ऐसा हो सकता है, कि उन्होंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो जैसे आपको बताया, मैं इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं, और इंस्टाग्राम पे एक बार मैंने एक पोस्ट डाला अबाउट ALGS, ठीक है। What is ALGS? अभी हम काम कर रहे हैं ऑटोमेटिक लीड जनरेशन सिस्टम्स पे, कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां पे ऑटोमेटिकली लीड जनरेट हो रही है, लीड की कोई कमी ना हो। तो अभी इसकी इस चीज पे काम लगे हुए हैं, देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं। सो इस टाइप की जब मैं पोस्ट डालता था, तो एक महीने पहले एक बंदे ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, ही इज फ्रॉम गुजरात, और उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया कि हेलो शुभम भैया, यार आप क्या करते हो? पहले मैंने उनका मैसेज देखा, अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या लगता है मैं क्या करता हूँ। उसने बोला कि आप जो भी करते हो ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो काम बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप करते हो। एक्चुअली मैंने उसको बताया, तो क्या आपको भी करना है? कहता हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली डू दिस। मैंने कहा अच्छा। इसके बाद ना हमारा देखो सिस्टम बना हुआ है पूरा। सबसे पहले हम जब भी कोई आता है हम उसको देते हैं ऑटोमेटेड वेबिनार अपना। सो ऐसा नहीं है हम डेली लाइव वेबिनार करते हैं, डेली एक ही चीज बताते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हमारी एक ऑटोमेटेड वेबिनार है जो ऑटोमेटेड रिकॉर्डेड है, ठीक है। सो हम सबसे पहले ये काम करते हैं, जब भी हमसे कोई पूछता भैया क्या करते हो, हम डायरेक्ट वो वीडियो भेजते हैं। अब ऐसे काम हम क्यों करते हैं, सिस्टम ने क्यों बनाया, जिससे हम फ्री हो जाए। देखो पहले मैं क्या करता था, मैं बताऊं, पहले मैं ये करता था, किसी ने मैसेज कर दिया, फोन कर दिया, अभी मैं किसी को बता रहा हूं, तो एक एक दो दो घंटे तक फोन पे लग रहा हूं, अरे ऐसे कर लो, फिर दूसरी चीज आपको करनी पड़ेगी, फिर ये प्रोडक्ट ये फलाना देखना। सो आई वॉज लाइक बिजी, और इस बिजनेस में बिजी बिल्कुल नहीं होना चाहता हूं, ठीक है। अगर इस बिजनेस में भी आके अगर आप बिजी हो तो मतलब आप इस बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। सो हमने इसी चीज पे काम किया, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने उनको ऑटोमेटेड वेबिनार दी, ठीक है। सो 45 मिनट्स की ऑटोमेटेड वेबिनार है हमारी, उन्होंने देखी, और मैंने उनके बाद में ये लिख दिया था कि जब देख लो तो मुझे एक बार पिंग कर देना। सो मैंने जैसे आज सुबह भेजी, तो कल सुबह उनका मैसेज आया कि हाँ भैया आई एम डन विद इट, और मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, अब आगे मुझे क्या करना होगा। इसके बाद मैंने उनको लिंक भेज दिया कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसने मेरे से एकदम पूछा क्या रजिस्ट्रेशन में पैसे लगेंगे? मैंने कहा नो, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। रजिस्ट्रेशन में मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल की हजार हजार रुपए लिए जा रहे हैं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। तो रजिस्ट्रेशन मैंने उसको लिंक भेजा, रजिस्ट्रेशन उसने कर लिया, उसने वापस मेरे को मैसेज कर दिया कि हाँ जी रजिस्ट्रेशन है, मेरे पास एक मेल आ गया कि हाँ भाई आपके पास एक न्यू डाउनलाइन आ गई है, ठीक है। उसके बाद अब हमने बना रखे हैं स्टेजेस, जैसे कोई फॉरएवर के बाद पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर फॉरएवर क्या है, फिर उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हमारे पूरी ट्रेनिंग्स बना रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से पूछता है कि भैया प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे दो तो मैं उसको बता रहा हूँ भैया एलोवेरा जल की ये फायदा है वाला, ना बिल्कुल नहीं। और ना मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि अगर इस टाइप का काम हो रहा है तो मैं बिल्कुल ऐसा काम करना चाहता हूँ। सो हमने रिकॉर्डेड वीडियोज बना रखी है, मैं रिकॉर्डेड वीडियोज डे बाय डे उसको भेजता गया, मैंने उसको ये बोलता गया कि जैसे जैसे वीडियोज देखते जाओ नोट्स बनाते रहना और मुझे बताते रहना, ठीक है। सो मैंने सारी वीडियोस दी पहले उसको नेटवर्क मार्केटिंग के, फॉरएवर के बारे में, फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा अब क्या करना है, मैंने कहा जैसा आपको सबसे पता है 2CC करनी है, तो उसने कहा 2CC के लिए क्या करना होगा? अभी तक फोन पे मेरी एक बार भी बात नहीं हुई इससे, सिर्फ मैसेजों में बात चल रही है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात चल रही है, ठीक है। तो उसने बोला कि अब मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, मैंने वापस उसको एक वीडियो भेज दी, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं,
मैंने उसको पीडीएफ फॉर्मूला दे दिया अपने कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे इस तरह से काम आते हैं, इस तरह से ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो आप। उसको और अच्छा लगा, तो उसने फिर पीडीएफ फॉर्मूले के बाद मैंने कहा अपनी लिस्ट मुझे भेज देना, आप क्या क्या बना मतलब मंगवाना चाहते हो। सो उसने अगले दिन मुझे अपनी पूरी मतलब लिस्ट बना के भेज दी कि मैं ये अपने दादा के लिए मंगाना चाहता हूँ, मैं अपने ये करने के लिए चाहता हूँ, ये करने के लिए आता हूँ। तो उस बंदे ने मैंने कहा ठीक है, तो उसने कहा, फिर उसने वापस एक क्वेश्चन पूछा, अब ये एलो स्टोर से कैसे करना है, लॉगिन करना है। मैंने वापस उसको एक वीडियो भेज दी, क्योंकि हर चीज की वीडियो है हमारे पास। मैं नहीं बताऊंगा भाई आपको कि आप एलो स्टोर पर जाओ, लॉगिन करो, वहां पे पासवर्ड गलत हो गया तो उसको मतलब री एंटर करो, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड पे जाके ये करो, फिर उसको कार्ट पे करो, फिर उसमें अपना एड्रेस डालो। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास। हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज है हमारे पास हर चीज की। तो मैंने उसको दी और उसने 2cc कर ली। सोचो, उसने 2cc कर ली और मेरी अभी तक उससे फोन पे एक बार ही बात नहीं हुई है। मैंने उस बंदे की शक्ल नहीं देखी अब तक, क्या कौन है वो, नाम पता है बस, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है, फोन पे बात नहीं करी है। और उसका मैसेज आता है दो दिन बाद, मैंने क्योंकि उसका फोर्स नहीं किया था, मैंने कहा जब आपकी मर्जी हो तब कर लेना। दो दिन ट्रेनिंग से लेने के बाद, साइड से लेने के बाद, दो दिन बाद उसका मैसेज आता है कि भैया आई हैव डन माई 2cc इन वन शॉट। सोचो क्या इस तरह से बिजनेस भी हो सकता है। या फिर जो हम करते हैं एक्चुअल, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम है, किस तरह से करना पड़ता है, इतनी मेहनत होती है। मेहनत है ही नहीं बिजनेस में अगर आप अपना सिस्टम क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट सिस्टम। जितना अच्छा सिस्टम आप बिल्ड करोगे, उतने ज्यादा फ्री होते चले जाओगे बिजनेस में। लेकिन अगर आपका दिमाग में वही है कि किसी का फोन आ गया तो मैं बता रहा हूं उसको कि हाँ जी ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, सारी चीजें अगर आप ही बताओगे तो फिर वो क्या करेगा। सारी चीजें आपको नहीं बतानी है, सारी चीजें आपका डिजिटल इकोसिस्टम आपके लिए काम करना चाहिए, आपका सिस्टम आपके लिए काम करना चाहिए, आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए काम करनी चाहिए। एक बार करो और सबको दे दो, ठीक है, बार बार सबको बताने की जरूरत नहीं है। और इससे एक बार उनका ये भी फायदा होता है, उनकी लाइव वेबिनार छूट जाती है कभी, तो वो कभी भी देख सकते हैं उस वीडियोस को। और उनका क्या फायदा होगा, हमारा सारा स्टफ उनके पास चला गया, वो ही स्टफ वो अपने डाउनलाइंस को दे सकते हैं। तो उनके डाउनलाइन से मेरी मुझे कभी बात करनी नहीं है। जैसे अभी इस बंदे ने 2cc करी, इसके जो डाउनलाइन आगे मैं कभी बात ही नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी वीडियोस वहां पे काम कर रही होंगी। क्यों ना इस बिजनेस को इस तरह से किया जाए। सो गाइस, एट द एंड में यही बोलूंगा कि यस, ये बिजनेस कॉन्टेक्टलेस है, पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब प्रूवन हो चुका है कि आप इस बिजनेस को कॉन्टेक्टलेस भी कर सकते हो। सो गाइस, ऐसे ही करिए, ठीक है, तभी मजा आए बिजनेस में। ट्रेडिशनल वे में सेमिनार्स के चक्करों में पड़ोगे, अपलाइन पे ही फोकस रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इंडिपेंडेंट बनो, जितना ज्यादा खुद से एफर्ट्स लगा डालोगे बिजनेस में, अपने तरीके से काम करो। देखो आपका अपलाइन जो काम कर रहा है ना, वो अपने तरीके से कर रहा है, अगर आप भी उसके तरीके से चलोगे तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी का क्या होगा, आपकी ओरिजिनलिटी तो कहीं ना कहीं खो गई ना। सो बी ओरिजिनल, जो आपके अंदर ओरिजिनलिटी है सिर्फ वो ही लोगों को दिखाओ, तभी मजा आएगा, तभी आप लोग तभी लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, और तभी लोग आपसे कनेक्ट भी कर पाएंगे कि यार ये बंदा अलग ही है, ठीक है। सो अपना स्टाइल झोंको, ठीक है, अपनी वीडियोज में अपना मिर्च मसाला डाला करो, ठीक है, तभी मजा आता है। अपलाइन की बातें सुनोगे तो अपलाइन जैसे बन जाओगे, लेकिन अपना मिर्च मसाला झोंको तो जो आपकी वीडियोस हैं, आपका जो कंटेंट है, वो बड़ा जोरदार बनेगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको क्या लगता है कि क्या ये बिजनेस कॉन्टैक्टलेस हो सकता है, क्या हम कॉन्टैक्टलेस ज्वाइनिंग करा सकते हैं कि नहीं, आपको क्या लग सकता है, आपको क्या लगता है, डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।